इस एपिसोड में मैं आपको जानकारी दूंगा बुध ग्रह यदि जातक की कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहा है, अर्थात अशुभ है, तो उस स्थिति में जातक को उन अशुभ प्रभावों से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। अपन इस विषय पर बात करें, आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप एपिसोड को पूरा देखें और सुने। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दे। अपन अपने बिंदु पर आते हैं। पहली बात तो मैं ये आपको शेयर करना चाहूंगा कि नौ ग्रह में बुध को एक न्यूट्रल प्लेनेट, एक ग्रह माना गया है। इसे नपुंसक ग्रह भी कहते हैं और ऐसी मान्यता है कि ये यदि शुभ ग्रहों के साथ है तो उनकी शुभता को बढ़ा देता है, अशुभ ग्रहों के साथ है तो उनकी अशुभता को बढ़ा देता है। लेकिन यह भी पक्की बात है कि यदि किसी भाव में, यानी कि कुंडली के किसी भाव में, किसी हाउस में बुध ग्रह अकेला है और वह उच्च या नीच का है, तो तबीयत से अच्छे फल और तबीयत से ही बुरे फल वह देगा। तो कहने का मतलब यह है कि बुध ग्रह को हमें किसी भी स्थिति में कमजोर श्रेणी का ग्रह कदापि नहीं मानना चाहिए। यहाँ इस चीज की जानकारी होने के बाद आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि के स्वामी ग्रह है। कहने का मतलब है कि मिथुन राशि का स्वामी ग्रह भी बुध है और कन्या राशि का स्वामी ग्रह भी बुध है। जब बुध मिथुन राशि में हो कुंडली में तो वह स्वग्रही कहलाएगा, कन्या राशि में हो तो भी वह स्वग्रही कहलाएगा। दूसरी बात है कि कन्या राशि में बुध उच्च का होता है, कन्या राशि में बुध उच्च का होता है, जबकि मीन राशि में बुध नीच का माना जाता है। अगर कुंडली जिस जातक की आप देख रहे हैं या बना रहे हैं और बुध उस जातक की कुंडली में कन्या राशि में जिस भी भाव में बैठा हुआ है, आप कहेंगे कि वह उच्च का है, और यदि मीन राशि में बैठा हुआ है तो आप कहेंगे कि बुध नीच का है। बुध के खराब होने पर, अर्थात नीच का हो, अशुभ ग्रहों के साथ हो, अशुभ जो हाउसेस है, जो कुंडली के घर है, बुरे घर है, जो केवल अशुभता ही प्रदान करते हैं, ऐसे घरों में हो, तो ऐसी स्थिति में जातक के साथ में क्या क्या हो सकता है, पहले तो अपन ये सोचे। मान लो किसी की कुंडली नहीं है और वो आकर हमें कोई चीज बयान करता है कि साहब मेरे साथ में पंडित जी महाराज ऐसा हो रहा है, बताइए अब मैं क्या करूं। तो आपको
एक ऐसा नॉलेज भी होना चाहिए कि अगर किसी की कुंडली नहीं है और हमें यह मालूम है कि उसके लक्षण जो बुराइयों के हैं या जो वो कष्ट पा रहा है, जो परेशानियां जातक को हो रही है, उसमें से कौन सी परेशानी किस ग्रह से संबंधित है। जैसे बुध ग्रह के खराब होने पर एक तो जातक अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता, मधुर वाणी बोलने में उसको दिक्कत होगी, वह बोलना चाहे, वह मधुर वाणी बोलना चाहता है, प्रिय वचन बोलना चाहता है, लेकिन फिर भी उसकी वाणी कमजोर होगी, उससे अपशब्द निकल सकते हैं। बोलते समय उसको ध्यान नहीं है कि मैं किस टोन में बोल रहा हूँ, लेकिन सुनने वाले को ऐसा लगता है कि वह अच्छा नहीं बोल रहा है, उसकी टोन जो बोलने की है वह अच्छी नहीं है। दूसरा, स्किन डिजीज यानी कि चर्म रोग की के होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। व्यापार कमजोर चल सकता है। आपके पास में कोई जातक आकर कहता है कि महाराज मैं पिछले कुछ महीनों से या कुछ एक दो साल से मैं मेहनत जितनी करता हूँ मैं व्यापार में उतनी सफलता नहीं पा रहा, जितनी पूंजी मैंने लगा रखी है उतना लाभ उस अनुपात में मुझे लाभ नहीं हो रहा या लाभ की जगह मुझे हानि हो रही है। तो व्यापार में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी या हानि होती है तो उसका एक कारण बुध ग्रह का खराब होना भी हो सकता है। कोई जातक आपको आकर कहता है कि डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है तो डाइजेशन का संबंध भी बुध ग्रह से होने के कारण, बुध ग्रह कमजोर यदि उसका चल रहा है, बुरा चल रहा है, तो जातक को पाचन क्रिया में परेशानी हो सकती है। जातक सांस का रोगी, दमा का रोगी अर्थात अस्थमा पेशेंट हो सकता है। बुध के खराब होने पर उसको दमा अधिक परेशान करेगा। जातक की जो शिक्षा पक्ष है वह भी कमजोर होगा और उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है, लॉजिकल पावर है, वह भी उसकी कमजोर होगी। ये मैंने कुछ जो बातें आपको बताई, पॉइंट शेयर किए कि बुध ग्रह के खराब होने पर कौन कौन सी परेशानियां एक जातक को हो सकती है, इनमें से कोई एक या कुछ परेशानी हो सकती है, सबकी सब वो, ये कोई जरूरी नहीं है। अब हुआ ये कि अगर मान लो जातक को ये परेशानी है या कुंडली में आप पाते हैं कि बुध की महादशा, अंतरदशा या गोचर के अंदर जातक को बुध के बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ेगा, तो फिर उसके उपाय क्या होंगे, तो उसके उपाय के लिए मैंने आपको बताया है। अब ये मेन बिंदु पर अपना गए, बुध ग्रह के बुरे होने पर उपाय। तो अगर बुध ग्रह बुरा प्रभाव दे रहा है तो पहला उपाय आपका है, प्रतिदिन श्री गणेश जी की उपासना करें। ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का जप भी करें और जब भी आप सुबह स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करते हैं सबसे पहले आप गणेश जी महाराज को ही नमन करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समय प्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्य सु सर्वदा। तो जब भी कोई शुभ कार्य करे तब इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। और जो मूल मंत्र मैंने आपको बताया वह भी ओम कं गणपतये नमः है, आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। गणेश जी महाराज को अपने हृदय में बैठाए और उनकी उपासना करे। अगला उपाय है कि बुधवार का व्रत रखें आप।
आप बुधवार को व्रत रखें और बुधवार को आप हरे वस्त्र पहने, जैसे हरा शर्ट है या हरी साड़ी है, आप औरत है तो, लड़की है तो आप हरा कुर्ता है, इस तरह से कोई ना कोई हरा वस्त्र आप धारण करें, बुधवार का व्रत रखें। बुधवार के दिन बहते हुए जल में हरी इलायची बहाए, कहने का मतलब है कि जो छिलके वाली हरी इलायची आती है वे आप 5 इलायची ले ले, 7 इलायची ले ले, 11 इलायची ले ले, और कोई पवित्र जल हो, गंदी नाली में नहीं बहाना आपको, कोई पवित्र जल हो। आपको ऐसा अवसर मिलता है कि कहीं आप यात्रा पर जा रहे हैं, जर्नी पर है, और आपको लगता है कि रास्ते में कोई नदी आएगी या झरना आएगा और बहता हुआ पानी मिलेगा, वो पवित्र होगा, तो ऐसी स्थिति में अपने साथ में थोड़ी सी इलायची रख ले और उसमें 5, 7, 11 इस प्रकार से कुछ गिनकर आप बहते हुए पानी में बहा दे, डाल दे। रोजाना प्रतिदिन नियम बना ले कि तुलसा जी का एक पत्ता तो कम से कम मुझे सेवन करना ही करना है। फिर उसके बाद में अगला उपाय है कि बुध ग्रह के खराब होने पर या खराब नतीजे देने पर आप क्या करें कि जो बुध रत्न है पन्ना, बुध का रत्न कौन सा है, पन्ना, तो पन्ना कम से कम 5.25 रति में सोने में जड़वा कर, सोने में जड़वा कर अपनी कनिष्ठिका अंगुली में या अनामिका में बुधवार के दिन धारण कर ले, अच्छे समय पर करे। लाभ अमृत का चौघड़िया पहला दूसरा उस रोज रहता है, उस दौरान करे, उत्तर मुखी पूर्व मुखी होकर करे। आप जो अंगूठी बनवाते हैं उस अंगूठी को पहले साफ पानी से धोए, फिर दूध से धोए, फिर साफ पानी से धोए, फिर गोमूत्र से धोए, फिर साफ पानी से धोए, फिर गंगा जल से धोए, और उसके बाद 2 अगरबत्ती एक दीपक लगाकर गणेश जी महाराज का स्मरण करते हुए ये मंत्र आपको बोलना है, ओम ब्राम ब्रीम रोम सह बुद्धाय नमः। मैं पुनः एक बार इसका उच्चारण कर रहा हूँ, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं सह बुद्धाय नमः। तो ये इस मंत्र का जप करते हुए आप अपनी कनिष्ठिका में या अनामिका अंगुली में, दाहिने हाथ में अगर पुरुष है दाहिने हाथ में, यदि घर पर काम करने वाली महिला है बाएं हाथ में, और यदि कामकाजी महिला है तो उसे भी दाहिने हाथ में ही धारण करना चाहिए। विद्यार्थियों को दाहिने हाथ में ही यह पन्ने की अंगूठी धारण करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।